हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ स्टडी थ्री बाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देंगे ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। 5 मिनट के अंदर दोस्तों ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करके मात्र 106 रुपये में बना सकते हो 5 मिनट के अंदर। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को कम्प्लीट जानकारी देंगे। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार में आपको टाइप करना है पैन कार्ड और सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL का, इस पर क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ न्यू पैन इंडियन सिटीजन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कैटेगरी का ऑप्शन आएगा तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ टाइटल का ऑप्शन रहता है तो टाइटल अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट नेम, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आ गया है ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना। यहाँ पर दोस्तों ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद जो एक कैप्चा है, कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद देखिए सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म का, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस तरह का पेज खुलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आइएगा दोस्तों तो यहाँ यस पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का लास्ट 4 अंक यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे तरफ आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन आएगा तो मेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फादर्स का लास्ट नेम डाल देना है तो मैं यहाँ पर फादर्स का लास्ट नेम डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फादर्स नेम पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सोर्स ऑफ इनकम का, इनकम आपका कैसे होता है तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर्स पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके कंट्री कोड का ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पर 91 डालना है। उसके बाद इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों एरिया, स्टडी कोड, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। अगर दोस्तों आपको एरिया स्टडी कोड मालूम नहीं है तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ नंबर, ये आपको मालूम नहीं है, पता करने के लिए यहाँ इंडियन सिटीजन पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टेट का नाम चुनना है, जो भी स्टेट का नाम होगा। उसके बाद सिटी का नाम चुन लेना है, जो भी सिटी का नाम होगा। उसके बाद यहाँ एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ नंबर, यहाँ पर सभी दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर टिक करके यहाँ दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ सभी में आपको आधार कार्ड ही आपको सिलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों हिम सेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर स्थान डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्थान डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जब सबमिट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट आधार का 8 अंक आपको डाल देना है। मैं यहाँ डाल दिया आधार कार्ड का शुरू से 8 अंक। उसके बाद आपको दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइएगा दोस्तों तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा लास्ट में, एडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जब आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आपका जो फॉर्म है अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर और फोटो सभी अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों मैं पहले से ही देखिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। यहाँ पर लिख रहा है पैन हैज बीन ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, मेरा जो पैन कार्ड है मैं पहले से ही अप्लाई कर दिया हूँ इस आधार नंबर से, इसलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से पैन कार्ड अप्लाई करके घर बैठे 5 मिनट के अंदर अपने ईमेल आईडी पर मंगा सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।